जिन लोगों ने, लाखों पाकिस्तानियों ने कनाडा के वीज़ा जो हैं वो अप्लाई किए थे और चंद लोगों के वीज़ा लगे हैं और अब वो सोच रहे हैं कि आप क्या करें, तो आप अपना अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करें। आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, एक 160 फॉर्म है, आपने उसको फिल करना है, अपनी फीस जमा करवानी है, अपनी डेट लें और इंटरव्यू पे जाएं। पर ये जो जल्दी वाला काम है ना, ये जल्दी पता नहीं किस चीज़ की है पाकिस्तानियों को, क्या कर लेंगे आप जल्दी वीज़ा अप्लाई करके? आपको क्या पता आपका वीज़ा लगना है या नहीं लगना? मेरा रब चाहे आपका वीज़ा लगे, मेरा रब चाहे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करवा दे, वो जितने भी सबाब आपके बंद करेगा उसका 10 गुना आपको देने के लिए ही आपका एक सबाब जो है या एक दरवाज़ा बंद करता है। आप अपना 160 फॉर्म फिल करें, अपनी फीस जमा करवाएं, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। आप 2-4 महीने 6 महीने के बाद की आपको डेट मिल जाती है, इस्लामाबाद की डेट्स आजकल आई हुई हैं, आप अपनी डेट वहाँ पे फिक्स करें, ठीक है, इंटरव्यू पे जाएं, अपनी इंटरव्यू की तैयारी अच्छी करें। डॉक्यूमेंट्स में आपको 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड, ओरिजिनल पासपोर्ट और इसके अलावा अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन और कन्फर्मेशन पेज। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर आपका इंटरव्यू होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट और ज़्यादा कम से कम जो है वो 30 सेकंड में आपका वीज़ा जो है इंटरव्यू मुकम्मल हो जाता है। आप उन्हें अगर सेटिस्फाइड करने में कामयाब हो जाते हैं कि आप अथेंटिक पर्सन हैं और आपने अपने 160 फॉर्म में जितनी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपकी पर्सनैलिटी सेम उसके साथ मैच करती है, आपका वीज़ा एट द स्पॉट वो आपको इशू करते हैं, अप्रूवल लेटर आपका मिलता है, 2 या 4 दिन के अंदर अंदर आपके दिए गए पते पे आपको पासपोर्ट आपका मिल जाता है और आप अपना वीज़ा 5 साल का मल्टीपल लेके अमेरिका का सफ़र इख्तियार कर सकते हैं।